खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल बीती रात 3 हथियारबंद बदमाश चोरी की नियत से एक घर में घुसे थे, जिनकी आहट पाकर ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दो भागने में सफल हो गए। दोनों फरार बदमाशों को पकड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चोरहट्टा थाना क्षेत्र के टिकिया गांव में चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने चोरहट्टा पुलिस पर अवैध शराब बिकवाने का आरोप भी लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश दी, तब जाकर ग्रामीणों ने आवागमन बहाल किया। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि यही बदमाश लंबे समय से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जबकि स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। टिकिया के रहने वाले हैं, हमारा केस कली नाम है दाहिया, हमारे मनसरुआ ड्यूटी में रहा है, एमपीपी में नौकर है, हमारा लड़का हम रहन है, 2 बजे रात हमारे अंदर घुसे, हमारा लड़का हम बाहर सोबत हैं, लड़का हम अंदर सोबत्ता है, हमारे लड़का का कट्टा दताए रहा है, तो वो एक थे चोर जब पकड़ डाली से हमारा लड़का जब हम गोहार मारी कैमरा ढोस के भीतर गए, तो हमारे लड़का का जब पकड़े रहा है तो वो चोर एक थे निकल गए, वो कैसे एक थे का लड़का एक थे के पास डाले, तो जब पकड़ डारे तो हम फिर गांव का गुहार मारे, फिर वो का बाप आबा, फिर हमका कढ़ेल रोड भर ले आबा, हमका महतारी पूत का कट्टा दताए दताए, फिर गांव के पब्लिक का घोर आन, तो गांव के पब्लिक ठाड़े ठाड़े निहारत ही, फिर सगला गांव हमारे चोरों का श्री कुलदीप श्रीवास्तव गोलू सकेत और का हम नहीं देखे पान कोहू का। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते कि हमार ने दबावे कि श्री गिरी वो गिरफ्तार हो, हमार जान बचावे, वो हमका कट्टा दिखावा था हमारे लड़कन का मसल, यहाँ हम अब 1 घंटा हो गया बैठे, अबे अभी तक नहीं आई पुलिस, पुलिस बार बार पुलिस छोड़ देती है हमको, रिपोर्ट एक डाली क्या किस प्रकार की? यहाँ पे रात को रात 2 बजे कुलदीप श्रीवास्तव और गोलू नाम के लड़के आए और इनके घर में जो चोरी किए और इनको कट्टा और ये धार धार हथियार लेके आए थे, इनको मारने का प्रयत्न कर रहे थे, मुंह दाबे थे। इसके बाद आसपास को ये गुहा दी लेकिन कोई नहीं गया, फिर हम लोगों को फ़ोन किया तो हम लोग रात को 2 बजे आए और पकड़े चोर को। फिर इसके अलावा भी ये 10 बार पकड़ चुका है पुलिस, चोरहट्टा पुलिस हर बार छोड़ देती है पैसा लेके। ये इसके पिताजी ज़मीन बेचे हुए हैं और हर बार मतलब थाना नहीं जाने पाते, इसके पहले ही पुलिस वाले छोड़ देते हैं। कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं ये? कुलदीप श्रीवास्तव यहीं बगल के हैं और ये काफ़ी यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे मैं टुल्लू लगाया था, इसको चोरी करके ले गया, इसके अलावा हमारे घर से बाइक लाया था उसको भी चोरी करके ले गया और हमको पैरा में मिली है बाइक। ये यहाँ पे आतंक का पर्याय बना हुआ है और यहाँ पे आसपास लोगों को मारता पीटता है, बहुत परेशान करके रखा हुआ है। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं? ये सिर्फ चोरी करता है, दिन को सोता है, रात को चोरी करता है। कब से आप लोग यहाँ धरने में बैठे हुए? ये अभी 1 घंटे हो गए हैं, अभी नहीं आई है पुलिस को, ये पैसा खिलाता है और बार बार मतलब पुलिस इसको पिताजी जाते हैं इसको और आधा घंटे के अंदर पुलिस छोड़ देती है, 10,000-20,000 मुआ का पैसा देते हैं ये। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है, मेरी 15 दिन पहले यही लोग बाइक चुरा ले गए थे जो पैरे में मिली है। चोरी की जिसमें आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर या चक्का जाम किया गया, सर क्या है पूरी घटना, किस तरह का मामला है? एक कल रात में एक दाहिया परिवार के द्वारा खबर की गई कि उनके यहाँ रात में कुछ 2 व्यक्ति घुसे थे, जिसमें से घर के लोग जाग गए तो और शोर हुआ तो एक व्यक्ति भाग गया, दूसरे व्यक्ति को घरवालों ने पकड़ लिया, लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट भी कर दी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुँच गई मौके पर और उस परिवार की रिपोर्ट पर, जो दाहिया परिवार उसकी रिपोर्ट पर 2 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया चोरी का, 457-380 का, और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को मांग के लेकर लोगों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया था, वो जैसी थाना प्रभारी की जानकारी में आया, थाना प्रभारी ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करा लिया है, दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, पूछताछ की जा रही है और उस साकेत जो आरोपी था जिसके मारपीट की गई थी लोगों के द्वारा, उसके तरफ से भी अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है।
क्या पूर्व में भी क्या अपराध घटित कर चुके हैं इनके ऊपर कोई? हाँ, ये जानकारी लग रही है कि इनके भी पुराना भी कुछ रिकॉर्ड है। थाना प्रभारी इसकी अभी छानबीन करके अवगत कराएंगे।